हेलो गाइस, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको एक पावरफुल इमरजेंसी लाइट बनाकर दिखाने वाले हैं। देख सकते हो कुछ इस टाइप का मैंने पहले से ही बना लिया है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा पहले ही बना दूँ, उसके बाद इसका पूरा डिटेल्स मैं आपको बाद में दे दूँगा। तो वीडियो में देख सकते हो, तो मैं सारा चीज़ आपको बताता रहूँगा स्टेप बाई स्टेप, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो गाइस, ये इन्वर्टर बल्ब बहुत ही छोटा सा है, आप इसे बहुत ही ईजिली कैरी कर सकते हो और कहीं भी लेकर जा सकते हो। तो इसको बनाने के लिए देख सकते हो, यहाँ पर लकड़ी का जो MDF बोर्ड का टुकड़ा होता है वहाँ पर उसको लिया हूँ और उससे अब बॉक्स बनाया हो। तो इसका आप कुछ डायमेंशन देख सकते हो, पूरा स्क्रीन पर आपका शो हो रहा होगा कितना कितना डायमेंशन है इसका। तो देख सकते हो इसका 6 डायमेंशन है। तो आप किसी भी, मतलब आप छोटा भी ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं जितना टाइप मतलब लिया हूँ उस टाइप से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कितना कितना का है। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से करके मैंने ऐसे फेविकोल से चिपका लिया है। आप ग्लूकन का भी यूज कर सकते हो, बट ग्लूकन उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो आप फेविक्विक या फेविकोल किसी भी चीज़ का आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत अच्छे चिपका दिया। ऊपर LED बल्ब जो कैप होता है वो भी इसके अंदर मैंने फिट कर दिया है। और ऊपर देख सकते हो साइड में मैंने ऊपर साइड में यहाँ पर 1 इंच बड़ा रखा है। यहाँ पर इसका लुक कुछ अच्छा दिख रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने थोड़ा अंदर इसको चिपकाया हूँ। तो बहुत ही अच्छा लुक इसका लग रहा था गाइस, आप इसे पेंट करके देखना, बहुत ही अच्छा लुक दिखेगा। तो ये सब हो गया, अब आगे चलते हैं, आगे हमें क्या लगाना है। तो इसका बहुत ही इजी कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा, और आप हर वीडियो में बताता रहता हूं, तो आप किसी भी वीडियो को देखकर इजीली कनेक्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हो 5 वोल्ट जैक यहां पर ले रहा हूं, या 5 इंच सॉकेट यहां पर जो 5 वोल्ट होता है उसका सॉकेट भी ले सकते हो। और उसके बाद SPST स्विच, कोई सा स्विच आप यूज़ कर सकते हो इसमें, जो आपके पास अवेलेबल हो उस स्विच का आप यूज़ कर सकते हो। यहां पर इसका ये राउंड वाला स्विच है, तो मैं इसका यूज करूँगा फिलहाल में, क्योंकि ये अच्छे से फिट भी हो जाएगा। बस ये फोल्ड करेंगे और इसका नट कस देंगे, अच्छे से हो जाएगा। उसमें बहुत ही कटिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो हम इस वाले स्विच का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखो, तो पहले मैंने मार्क लगा लिया है यहाँ पर कि कहाँ कहाँ हमें क्या क्या लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो कुछ स्टेप से करके आपको होल कर लेना है। उसके बाद हमें एक डायबोर्ड चाहिए, उसके बाद एक बैटरी चाहिए, यह है लिथियम आयन बैटरी 3.7 वोल्ट की आती है। तो बहुत ही अच्छा इसका बैकअप है, तो आप इससे इजीली यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 4 वोल्ट वाला जो बैटरी आता है उसका भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर IN4007 डायबोर्ड एक ले रहा हूँ। उसके बाद एक आपको LED 1 के का रजिस्टेंस ऐड करके ले लेना है। उसके बाद एक बड़ा सा LED 4 वोल्ट वाला मैं ले रहा हूँ, क्योंकि यही हमारा अच्छे से वर्क करता है और गोल सा है, तो आप LED वाला में कैप में इजीली आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा इसका यूज है, तो आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं सारा कनेक्शन कर लूँगा, और कनेक्शन देखना चाहते हो तो हमारे किसी भी टार्च वाले वीडियो को देख सकते हो। टार्च कोर्स वाले प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर जाकर किसी वीडियो को देख सकते हो। सर, इसका कनेक्शन बहुत ही इजी मैं आपको बताया हूँ, सब जाकर देख सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो गाइस कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने पूरा कनेक्शन कर लिया है, और यहाँ पर लिथियम आयन को सेव करने के लिए जो 5 वोल्ट चार्जिंग मॉड्यूल आता है, तो उसका भी यूज कर सकते हो। फिलहाल में मेरे पास नहीं है, तो मैंने इसका यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर डायबोर्ड भी थोड़ा अच्छे से वर्क कर गया, तो बैटरी ख़राब नहीं होगा। अब इसको अंदर हम चिपका लेते हैं। तो चिपकाने के बाद देख सकते हो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अभी मैं पेंट नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ से पेंट कर सकते हो इसको। आप किसी भी स्प्रे पेंट या कोई सा भी पेंट यूज कर सकते हो, या स्टिकर सटा सकते हो, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। मुझे तो लुक बहुत ही अच्छा दिखा गाइस, और आपको कैसा लिखा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसको चार्ज में लगाता हूँ, और पूरा मैं आपको हर चीज़ टेस्ट करके दिखाऊंगा अच्छे अच्छे से, इसलिए बहुत ही छोटा वीडियो बनाया होगा। तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिए, अब ख़त्म होने वाला है इस बहुत ही छोटा वीडियो बनाया। तो देख सकते हो, जैसे मैंने चार्ज में लगाया, इसका LED इंडिकेट कर दिया कि चार्ज हो रहा है। इसको चार्ज होने के बाद आपको लमसम आधा घंटा लगा सकते हो चार्ज हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से बहुत पता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसकी प्याले में। सबसे पहले मैं आपको धीमा से फिर कस करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हो अच्छे से वर्क कर रहा है गाइस। मैं आपको अभी अंधेरे में पूरा लाइट वीडियो को बंद करके दिखाऊंगा, तो कितना वर्क होता है। तो चलिए मैं अपने स्क्रीन का लाइट बंद कर देता हूँ। मैंने थोड़ा सा बंद किया, पूरा मैं बंद करके आपको दिखाऊँगा। तो देख सकते हो, मैंने पूरा देख सकते हो गाइस, काम उजाला हो रहा है। तो अभी ये तो बहुत ही लो है, मैं हाई करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो पूरा हाई पे है,
और यहाँ पर कोई से अलग से भी टार्च नहीं लगा हुआ है। और ये मोनप पूरा स्टूडियो मेरा है, यहाँ पर कंप्यूटर सारा चीज़ यहीं पर रखा है, देख सकते हो कुर्सी सब चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा और मेरा पूरा सामान आपको दिख रहा होगा। तो गाइस ये बहुत ही मतलब अच्छा टार्च बना है, तो आप इसे इजीली बना सकते हो। कुछ समझ नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट पर रिप्लाई दे देता हूँ। और लाइक नहीं किया तो गाइस प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिएगा गाइस। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है ये। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही बनाया हूँ, और अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊंगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस बनाऊंगा। तो देख सकते हो ये इस टाइप से बना सकते हो गाइस, बहुत ही छोटा है और आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, आ सकते हो। इसको पेंट कर सकते हैं गाइस, तो आप पेंट कर लीजिएगा, फिलहाल मैं पेंट नहीं कर रहा हूँ, तो आप पेंट करके तब यूज कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसका लुक और कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। बाय बाय।